मैं इस वक्त दुलताला मेन बाज़ार के अंदर हूँ। ये इस वक्त दुलताला मेन बाज़ार है। मेरे सामने ये गुरुद्वारा की बिल्डिंग है, शिकस्ता हाल बिल्डिंग इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है सामने, इसका कुछ पार्ट गिरा हुआ है। ये देखें, ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा का कॉर्नर है। इसके बाद जो है वो ये आपको कुछ और एंशेंट जो है वो जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा नज़र आएगा। उसके बाद जो है वो एक छोटी सी स्लोप है, और स्लोप के बाद जो है यहाँ पे एक गुरुद्वारा जो है वो उसकी बिल्डिंग नज़र आएगी। गुरुद्वारा दुलताला, ये एंट्रेंस है गुरुद्वारे की और ये गुरुद्वारे का नाम है। आई कुड नॉट रीड गुरुमुखी, सो आई कुड नॉट बी टोल्ड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गुरुद्वारा। एंट्रेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्थ के गुरुद्वारा होते हैं। स्पेशली इस तरह का एक गुरुद्वारा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ मानसेरा के अंदर। सेम एंट्रेंस तो बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा शिकस्ता हाल है। वो गुरुद्वारा जो है वो थोड़ा सा, ये कुछ इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं गुरुद्वारा के। ये आप देखिए, ये कुछ राइटिंग स्क्रिप्ट है। दोबारा से जिन लोगों ने इस गुरुद्वारे की सेवा करवाई उनके नेम्स, ये कुछ मैंने मार्कर से हाईलाइट करने की कोशिश की है इसको, तो ये शायद बेहतर हो गया। ये आप देखें, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, और उसके बाद डोनर्स, और डोनर्स की जो डोनेट किया उसकी डिटेल्स दी हुई है। दिस इज ऑन अ मेन एंट्रेंस ऑफ द गुरुद्वारा। अगेन गुरुद्वारा मेन बाजार दुलताला। इट्स ऑल्सो स्टोन लेड बाय एक ओंकार। ये अगेन एंट्रेंस राइटिंग स्क्रिप्ट। आइए अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले इसमें कुछ टेक्स्ट ऑन द फोरहेड डोर है, मैं कोशिश करता हूँ इसको कंपोज करने की। ये देखिए, ये अगेन रिपीटेड, जानवर नहीं है यार बिल्कुल ही। ये है जी अंदर का गुरुद्वारे का पर्सपेक्टिव व्यू है। और आप ये देखें, ये गुरुद्वारा दुलताला फुल सनलाइट की वजह से कंपोजिंग जो है इसकी वो ठीक नहीं है। ये एविडेंस हैं जो कि तमाम के तमाम गुरुमुखी में राइटिंग स्क्रिप्ट हैं। टाइम के साथ कलर जो है इसका वो ख़त्म हो गया, लेकिन टाइप स्टिल इज़ देयर। और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है गुरुमुखी में, मैं वो आपको क्लोज टू करके तो उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, और उसके बाद जो है वो आप बाकी का टेक्स्ट जो है वो, ये स्टोन वन,
स्टोन टू स्टोन थ्री स्टोन फोर स्टोन फाइव स्टोन सिक्स और स्टोन सेवन। यहाँ पर मैं एक बात फिर आपको बताता चलूँ कि मैंने सेवन के मतलब पहले भी एक बात कही थी कि सात का लफ्ज़ जो है वो बार 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 पाकिस्तानी गुरुद्वारों में मिलता है। यहाँ पर मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पर बेनियन के ट्रीज़ थे तो वो सेवन थे। ये है गुरुद्वारा का कुआं वेल और विद द टाइम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डिमोलिश हो गई, बहुत ज़्यादा सारे रूम डिमोलिश हो गए। बाहर आपको कुछ शॉप्स नज़र आई। ये एंट्रेंस का बरामदा है। ये ऊपर की ड्योढ़ी है। अब कोई पुराना बंदा मुझे मिले तो मैं उससे ये फिर पता करता हूँ कि इस गुरुद्वारे का टोटल रकबा कितना था। इतना तो मुझे पता चला कि 12 शॉप्स यानी कि 12 दुकानें और 120 बीघा ज़मीन जो थी वो इस गुरुद्वारे के नाम थी। लेट्स कम, आइए देखते हैं। मेन एंट्रेंस जो है ये बड़े मेन जो हैं इसके 5 डोर्स हैं। ये रिसेप्शन है जहाँ से अंदर इंटर होते हैं। वुडन टेक्सचर है। दो दरवाज़े लेफ्ट साइड पे हैं, दो राइट पे हैं और राइट पे ही एक जो है वो जो स्टेयर्स हैं फ्लोर वन को जाने के लिए और कुछ से एक अंडरग्राउंड चैम्बर था इस गुरुद्वारे का जो कि टेम्परेरीली इस वक्त तो बंद है। कॉस्ट पता नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे से आपको दिखा सकूँ। देखते निशान साहिब और ये टेक्स्ट और ये गुरु घर पे लगा हुआ लॉक। अच्छा जी, इसके बाद में आपको एक स्टोन लेट है इसके एंट्रेंस के ऊपर। ये स्टोन लेट जो है एक ओंकार और उसके बाद बाकी का टेक्स्ट। मैं आपको फिर थोड़ा सा गुरुद्वारे की सराउंडिंग दिखाता हूँ। ये हैवी पिलर्स के साथ काम हुआ हुआ है। ये पिलर्स के ऊपर सारा डिपेंड है। ये आप देखें कि बहुत मोटे पिलर्स जो हैं वो स्टील अभी तक करेक्ट हैं और ये ईंटों से तैयार किए गए हैं। वैसे तो इसे तो कुछ वैसे तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ब्रिक वर्क जो है कि उस वक्त का ही हुआ है और ये कुछ एरिया जो है ऑक्यूपाइड है। बैक साइड पर ये हैं मेन हॉल की खिड़कियाँ जो कि ईस्ट साइड पे खुलती हैं और ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर है गुरुद्वारे का। मेन हॉल के साथ लगा हुआ जो रूम है तो बकबक बंद कर लो ना थोड़ी देर। ये जो विंडोज़ हैं ये मेन हॉल की हैं। मेन हॉल आपको मैं फर्स्ट फ्लोर से जाके दिखाता हूँ। उसके बाद ये कुछ सेवा करवाई जो है वो आप ये देखें, ये देखें, ये सर ये काका अमीर जी स
सेवक रही बीबी सनमन और पत्नी गोपाल सिंह मटोर, यानी कि नारा और मटोर एक बहुत मशहूर यहाँ पे जगह है। नारा और मटोर एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ के किसी जो है वो ने सेवा करवाई है। तो ये उसका 51 का काम, एक ओंकार संतर पतन संग बीबी कोर पत्नी ये जी ब्यागार चौधरी हीरा सिंह, हाँ ये जी दिल्ली से किसी ने इसे जो है वो गुरुद्वारे की सेवा करवाई है। तो उसके मतलब ये आप देखें, राम प्यारी पत्नी भाई प्यारा सिंह, ये जी पटेल सेवा करवाई, राम प्यारी पत्नी भाई प्यारा सिंह उर्दू टेक्स्ट में है, सो आई कैन रीड इट इजीली। और ये कुछ और है यार, आपने क्या लेना है बीच में से? ये कुछ और है उर्दू टेक्स्ट, ये सेवा करवाई जो है वो स्टील इज देयर। देखें किसी ने अभी तक जो है उनको वो डिसमेंटल नहीं किया, कुछ ये बारिश और बरसात की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं।